सिली प्रखंड में आज शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में 400 दिव्यांगों की जांच की गई। सिली प्रखंड कार्यालय परिसर में आज दिव्यांग व्यक्तियों का जांच शिविर लगाकर कुल 400 दिव्यांगों की जांच की गई। प्रखंड के कई क्षेत्र से आया दिव्यांग जनों का इलाज डॉक्टर वीणा, डॉक्टर वत्सल्य लाल, डॉक्टर आलोक कुमार, डॉक्टर कन्हैया झा शिविर में मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी ने विधि व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा सिली अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी जितेंद्र कुमार महली ने दिव्यांग जनों को लेकर डॉक्टर को अच्छे से जांच करने के साथ कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रखंड के विभिन्न इलाकों से काफी संख्या में दिव्यांग पहुंचे। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि जिनका शिविर में इलाज किया गया है उनका प्रमाण पत्र जिला से प्रमाणित होकर अपने सभी दिव्यांग लोगों के बीच उनका प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा। इस मौके पर शोभा सिंह, बीपीओ मनोज कुमार, मिथुन महतो, उमेश कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित हुए। अनगढ़ा प्रखंड में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत SS प्लस टू हाई स्कूल चिल्दाग में छात्राओं के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन तथा मासिक धर्म से संबंधित सभी जानकारी, अंधविश्वास और उनके कारणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर विभिन्न गतिविधि, पोस्टर आदि के माध्यम से छात्राओं की सभी शंकाओं का समाधान किया गया। कार्यक्रम के उपरांत सभी छात्रों को प्रोटेक्टर और ग्लोबल की तरफ से एक एक सैनिटरी नैपकिन दिया गया। विद्यालय की शिक्षक एवं कार्यक्रम प्रभारी संगीता रवि, सिरीन अख्तर और श्रेया कुमारी ने प्रोजेक्टर एवं ग्लोबल सहयोग के कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन किया। बुंडू के पांच परगना क्षेत्र के छात्रों के द्वारा आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पांच परगना किसान कॉलेज के छात्रों और बुंडू अनुमंडल के छात्रों के द्वारा आज NH 33 बिरसा मुंडा प्रतिमा के समीप 1932 आधारित स्थानीय व नियोजन नीति लागू नहीं करने हेतु, भाषा अतिक्रमण तथा रोजगार उपलब्ध नहीं कराने के विरोध में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। इसके पूर्व छात्राओं ने कॉलेज से जुलूस निकाला। जुलूस महावीर मंदिर गली रोड होते हुए बड़ा तालाब से बिरसा मुंडा के आदमकद प्रतिमा के समीप पहुंचा। जुलूस में काफी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राएं उपस्थित हुए। अनगढ़ा प्रखंड में होली के 9 दिन के बाद टाटी सिलवे में लगने वाला प्रसिद्ध नवमी डोल मेला को लेकर क्षेत्र में अभी से हो रही है चहल पहल शुरू। कोरोना के कारण पिछले साल 2 सालों से कोरोना के कारण मेला का आयोजन नहीं लिया गया। लोगों में काफ़ी उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। इस बार 26 एवं 27 मार्च को नवमी डोल मेला लगाया जाएगा। 26 मार्च शनिवार को राधा कृष्ण जी के प्रतिमा के झूलन कार्यक्रम तथा पूजा अर्चना के साथ रात में मेला का शुभारम्भ होगा। अनगढ़ा प्रखंड में प्रशिक्षुओं का दल हिमाचल प्रदेश के लिए हुआ रवाना। जसपुरिया बीएड कॉलेज बीसा के प्रशिक्षुओं का एक दल शैक्षणिक भ्रमण के लिए हिमाचल प्रदेश रवाना हुआ। इन्हें कॉलेज के अध्यक्ष जालेंद्र कुमार व निदेशक शालिनी प्रिया ने रवाना किया। प्रशिक्षुओं को मनाली, रोहतांग पास, कुल्लू नंगल, सोनल घाटी, डिहिमडा मंदिर, मणिकर्ण सहित आसपास के सभी पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। अनगढ़ा प्रखंड में रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी रांची की ओर से GP हाई स्कूल हेसल अनगढ़ा में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन राज्य विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव डॉक्टर अमर कुमार चौधरी एवं राज्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर कुमुद कला मेहता ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में करीब 200 छात्र छात्राओं एवं 35 शिक्षक शिक्षिकाओं की आँख जाँच की गई। जाँच के क्रम में 63 छात्र छात्राओं के नेत्र की दृष्टि दोष के लक्षण पाए गए। चिन्हित विद्यार्थियों के बीच रामकृष्ण मिशन आश्रम की तरफ से मुफ्त दवा एवं चश्मा का वितरण किया गया। तमाड़ प्रखंड में 3 दिवसीय रामचरितमानस पाठ हवन पूजा में शामिल हुए श्रद्धालु। तमाड़ प्रखंड के उलीलोहर पंचायत के डिम्बूडी में 3 दिवसीय रामचरितमानस पाठ में अमूल्य मिश्रा के द्वारा हवन, जिला परिषद प्रतिनिधि दिलीप सेठ, संतोष कुमार साहू साथ में रामचरितमानस के सभी आयोजनकर्ता नारायण सिंह, पीतम्बर बनर्जी, जगदीश मुखर्जी, धनश्याम महतो, नारायण महतो, संजय बनर्जी, सीताराम महतो, पुतुराम महतो, रविंद्र महतो सहित सभी माता बहनें हवन पूजा में उपस्थित हुए। राष्ट्रीय पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेंगे मसमानों के अफरोज।
मांडर के मसमानो निवासी आफरोज अंसारी का चयन 20वें राष्ट्रीय पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भाग लेने के लिए हुआ है। यह चैंपियनशिप ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में 28 मार्च से 31 मार्च तक संपन्न होगा। इससे पहले भी आफरोज अंसारी ने 6 मार्च को देवघर में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय पारा एथलेटिक चैंपियनशिप में 46 कैटेगरी में खेलते हुए 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। इसी के आधार पर राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए इनका चयन हुआ। आफरोज अंसारी झारखंड राज्य की तरफ से 46 कैटेगरी में 100 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में भाग लेंगे। सिली प्रखंड के बंसारूली गांव में 10 दिनों से ट्रांसफार्मर जला ग्रामीणों ने बदलने की मांग की। सिली प्रखंड के बंसारूली जामटोला में पिछले 10 दिनों से बिजली का ट्रांसफार्मर जला हुआ है। इससे इलाके के करीब 150 घरों के लोग अंधेरे में रहने को विवश है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी विभाग को दी है, लेकिन अभी तक इसे ठीक नहीं किया गया है। वहीं ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक सुदेश कुमार महतो को भी पत्र लिखकर इसे बदलवाने की मांग की गई है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर को बदलने का काम किया जाए, अन्यथा हमारे द्वारा आंदोलन किया जाएगा। सिली प्रखंड में आज शुक्रवार को आदिवासियों की एक बैठक ग्राम पंचायत बड़ा चंगड़ू में आयोजित की गई। सिली प्रखंड में आदिवासियों की एक बैठक धर्म संस्कृति बचाने हेतु युवराज सिंह के अध्यक्षता में सिली प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ा चंगड़ू में बैठक आयोजित की गई। संचालन चेतन मुंडा ने की। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा, अजंबर मुंडा, सुंदर सिंह मुंडा शामिल हुए। इस बैठक में बड़ा चुंगड़ू में हड़गड़ी पर हो रहे अतिक्रमण एवं धर्म सांस्कृतिक पर हमला के विषय पर समाज के लोगों को विचार विमर्श किया गया। संगठन को चलाने के लिए संचालक समिति के गठन किए गए, जिसमें सर्वश्री चैतन सिंह मुंडा, संतोष मुंडा, दुर्गा प्रसाद सिंह मुंडा, सुंदर मुंडा, लाल मोहन मुंडा, शिवचरण मुंडन, कंचन मुंडा, कर्मा मुंडा, संजय मुंडा, राधा मुंडा, राधा मोहन सिंह मुंडा, किशन मुंडा को संचालन के लिए नियुक्त किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रेम साही मुंडा ने कहा कि सिल्ली सोनाहातू राही क्षेत्र में आदिवासियों के हड़गड़ी जमीन स्थल पर गैर आदिवासी के द्वारा छीना जा रहा है। आदिवासी समाज को अपील करते हुए कहा कि आदिवासी समाज संगठन बनाकर रहे और संगठित रहे, नहीं तो समाज में धर्म हमले होते रहेंगे। बड़ा चुंगड़ू में हड़गड़ी स्थल पर छेड़छाड़ करने वालों को अविलंब सजा दी जाए। आदिवासी के धर्म कोड एवं सार्वधानिक अधिकार की जानकारी के लिए ग्राम स्तर पर बैठक कर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और आदिवासी का पर्व सरहुल धूमधाम से हर पंचायत में मनाया जाए। आदिवासी जन परिषद अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा आह्वान करते हुए कहे कि अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के द्वारा आहूत नई दिल्ली जंतर मंतर में दिनांक 25 अप्रैल 2022 को धर्म कोड लागू करने हेतु धरना प्रदर्शन में हजारों की संख्या में पहुँचने की अपील की। बैठक के उपरांत सिल्ली के बड़ा चुंगड़ू हड़गड़ी में छेड़छाड़ किया जा रहा था, उसके दौरान स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। इस बैठक में बेनी सिंह मुंडा, सुखराम मुंडा, कमल मुंडा समेत अन्य लोगों का सराहनीय योगदान रहा। सिल्ली प्रखंड में आज शुक्रवार को सिल्ली पॉलिटेक्निक के कैंपस सेलेक्शन का आयोजन किया गया। सिल्ली पॉलिटेक्निक में आज कैंपस सेलेक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोलकाता ग्याकी स्विच APO पावर लिमिटेड कंपनी के HR परबोती पाल एवं संदीप कुमार ने छात्रों को साक्षात्कार लिया। साक्षात्कार में सिल्ली पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक संकाय के 34 छात्र शामिल हुए। कंपनी के अधिकारी ने बताया कि ये कंपनी बैटरी का निर्माण एवं सर्विस देने का कार्य करती है। वहीं अधिकारी ने बताया कि आगामी 29 मार्च तक साक्षात्कार के परिणाम घोषित किए जाएंगे एवं सफल छात्रों को नियुक्ति दी जाएगी। साक्षात्कार के आयोजन में पॉलिटेक्निक के निदेशक विष्णु भूत भट्टाचार्य, प्राचार्य समीर शर्मा, प्लेसमेंट अधिकारी शेखर चौधरी, दीपक कुमार महतो, उत्पल कुमार पाल, विकास बेरा आदि का सराहनीय योगदान रहा। तमाड़ प्रखंड में BSF कंपनी हुंट में हुआ वेल्डिंग प्रशिक्षण का समापन। 26वीं वहिनी सशस्त्र सीमा बल एवं दर्पण सेवा संस्थान बुंडू के संयुक्त तत्वाधान में सशस्त्र सीमा बल F कंपनी हुंट में 15 दिवसीय वेल्डिंग प्रशिक्षण का समापन विजेंद्र सिंह उप कमांडेंट के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय योजना के अंतर्गत 26वीं वहिनी सशस्त्र सीमा बल के F कंपनी हुंट में कराया गया। इसमें 12 परीक्षणार्थियों को प्रशिक्षण किया गया। संस्थान के द्वारा सभी परीक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र
पत्र प्रदान किया गया। भारत सरकार के उद्देश्य है कि स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके, इससे ग्रामीण परिवेश के लोग भी देश के विकास की कड़ी से कड़ी जुड़ा सकेंगे। इस वेल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम कंपनी प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार किया गया। समापन के अवसर पर दर्पण सेवा संस्थान के मनोज कुमार, मंतोष कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। रेलवे के महाप्रबंधक अर्चना जोशी ने सिलीमुरी स्टेशन का किया निरीक्षण। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अर्चना जोशी ने शुक्रवार को सिलीमुरी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक ने सबसे पहले रांची रेलखंड के DRM प्रदीप गुप्ता सहित रेलवे के वरीय पदाधिकारी के साथ सिलीमुरी रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां महाप्रबंधक अर्चना जोशी करीब 1.5 घंटे तक रुकी। रेलवे क्वार्टर कॉलोनी, रिले रूम, डाटा कंट्रोल रूम, OFC रूम, प्लेटफॉर्म उच्च व द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय, स्टेशन प्रबंधक कक्ष, टिकट काउंटर आदि का बारीकी से जायजा लेते हुए पूरे स्टेशन परिसर को अपग्रेड करने का दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म में स्टॉल का भी निरीक्षण किया। पत्रकार से बातचीत करते हुए महाप्रबंधक अर्चना जोशी ने कहा कि सुरक्षात्मक दृष्टि से रेलवे का वार्षिक अवलोकन किया जाता है, इसमें आवश्यकता अनुसार सुधार एवं संशोधन का दिशा निर्देश भी दिया जाता है। साथ ही रेल यात्री व स्थानीय लोगों से रेलवे के प्रति फीडबैक भी लिया जाता है। आज रामगढ़ से लेकर हटिया तक आज पूरे दिन भी निरीक्षण चलेगा। निरीक्षण के दौरान यह देखा जा रहा है कि स्टेशन में क्या क्या सुविधा है, क्या क्या अपग्रेड करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी सेफ्टी का है। इसमें यह भी देखा जाएगा कि यात्री की सुविधा के साथ साथ किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है। निरीक्षण के पश्चात महाप्रबंधक स्थानीय जनप्रतिनिधि से उनकी समस्याओं से अवगत होते हुए हर समय पर अपनी समस्या को अपने स्तर से देखकर पहल करने का आश्वासन दिया। रेलवे अधिकारी ने बताया कि मुरी स्टेशन से झालदा एवं कोटशिला स्टेशन तक सैलून से जाएंगे, यहां से सीधे नामकुम स्टेशन तक रेल स्पीड की जांच की जाएगी।